अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इयक नअबुदु व इयक नस्तईन। वीआईपी फॉरेक्स सिग्नल से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज 11 अक्टूबर वेंसडे बुधवार है और इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि फॉरेक्स गोल्ड XAU USD आज 11 तारीख बुधवार को अप जाएगा या कि डाउन आएगा। मैं इस वक्त D1 के टाइम फ्रेम पर हूँ। नाज़रीन, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। नाज़रीन, D1 के टाइम फ्रेम पर हमारा जो गोल्ड है ये रिकवरी रिट्रेसमेंट जोन में है और यहाँ पे अभी कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं है। मैं ये वीडियो लेट इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं H4 की ये जो कैंडल पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2 बजे क्लोज़ हुई थी, इसके इंतज़ार में था। ये कैंडल अब 8 बजे क्लोज़ होगी, लेकिन क्योंकि उस वक्त तक बहुत लेट हो जाना है 8 बजे तक, क्योंकि बीच में US सेशन आ जाता है, और ये जो कैंडल क्लोज़ हुई 2 बजे, ये एक भरपूर ग्रीन कैंडल और इसके अप साइड पर कोई भी ऐसी विक नहीं है जहाँ पे सेलिंग प्रेशर शो हो। वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि इसी वीडियो में मैं आज आपको जो हाई इंपैक्ट न्यूज़ हैं 3 उसके बारे में भी बताऊंगा और पूरा कोशिश करूंगा कि ऐसा टेक्निकल एनालिसिस किया जाए जिससे सबको फ़ायदा हो। अच्छा जी, यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब USA सेशन शुरू होना है 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। फ़िलहाल कोई एविडेंस नहीं है कि मार्केट डाउन आए। D1 के भी टाइम फ्रेम पे फ़िलहाल ये ऊपर, मतलब देखें ना, जिस तरह यहाँ पे हमें एविडेंस मिला, यहाँ पे मिला था कि ये डाउन आएगी और यहाँ पर मिला कि ये अब ऊपर जाएगी, अभी तक कोई भी ऐसा साइन नहीं है कि मार्केट डाउन आए। क्लियर। और XAU USD 1 डे के टाइम फ्रेम पे स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स भी फ़िलहाल डायरेक्शन अपवर्ड है, यहाँ पर भी फ़िलहाल कोई भी रिवर्सल साइन नहीं है। इसी तरह US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड क्लियरली डाउनसाइड इसकी डायरेक्शन है क्लियरली, और यहाँ पर अभी भी यहाँ पे कोई भी अपसाइड का रिवर्सल नहीं है। इसी तरह अगर ये US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड नीचे आती जाती हैं तो ये जब इस तरह नीचे आएंगी तो ये गोल्ड ऊपर जाएगा। इसी तरह अगर DXY डॉलर इंडेक्स देखें तो ये काफ़ी नीचे आ चुका है, लेकिन अभी तक भी ये यहाँ से इस तरह थोड़ा और अगर नीचे जाता है तो हमारा गोल्ड ऊपर जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि ये नीचे आते साथ ही ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें ना, जब ऊपर था तो ऊपर काफ़ी अरसे तक ये देखें ऊपर हमारा ये डॉलर चलता रहा। इसको बोलते हैं कंसोलिडेट, एक ख़ास रेंज में रहना, ये भी एक साइन होता है कि यहाँ से अब रिवर्सल होगा। तो अभी तक यहाँ पर हमारे डॉलर इंडेक्स का कोई ऐसा साइन नहीं है कि ये यहाँ से रिवर्स हो, क्योंकि ये यहाँ से अगर थोड़ा सा इस तरह स्ट्रेट चलती है, कंसोलिडेशन दिखाता है हमारा डॉलर, तो चांसेस होते हैं फिर हम देखेंगे हमारे जो हमारा गोल्ड है वहाँ पर भी अगर कंसोलिडेशन दिखाता है हमारा D1 के टाइम फ्रेम पे और कोई ऊपर से यहाँ पे, मतलब ना ये देखें यहाँ पे कोई इस किस्म की शूटिंग स्टार कैंडल और उसके आगे रेड कैंडल बनती है या इनगल्फिंग कैंडल या इसी तरह हैंगिंग मैन, तो रिवर्सल की काफ़ी सारे साइंस होते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, वो अगर हम टॉप पे अगर देखें तो कुछ समझ में आएगा कि हमारा जो गोल्ड है वो नीचे आएगा। फ़िलहाल कोई एविडेंस नहीं है। इसी तरह अच्छा जी, ये देखें जी, ये पहले मैं आपको जो है ना वो 1 डे का दिखाता हूँ, XAU USD फिबोनाची की रिट्रेसमेंट 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो अभी जो है ना वो अगर 50% भी रिट्रेसमेंट करता है 1927 और 61.8% करेगा तो 1933, और ये मेरे पास जो फिबोनाची है ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्रिएट करके देता है, ठीक है। लेकिन 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 H4 में अब ये रिवर्सल रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। इससे पहले ये दिखा रहा था कि ये अपसाइड जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 1874 पे है हमारा गोल्ड, जो मैं ये अभी आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब क्योंकि देखे ना ये H4 में इस तरह ऊपर 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 ऊपर, तो अब इसकी रिट्रेसमेंट ये नीचे शो कर रहा है, क्योंकि गोल्ड जब जैसे नीचे जाता 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 रहा फिर रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर, अब ये ऊपर है तो रिट्रेसमेंट H4 के टाइम फ्रेम पे ये दिखा रहा है कि मे बी ये अगर 50% नीचे आए तो 1837, 61.8% नीचे आए तो 1831
और अगर कम नीचे आए तो 1844 ये लेवल हैं, लेकिन ये सब कुछ आज न्यूज़ पे डिपेंड करेगा। बड़े टाइम फ्रेम पे रिट्रेसमेंट अभी ऊपर बाकी है, 1900 से भी ऊपर 1927 और 33। लेट्स सी के न्यूज़ के बारे में हम डिस्कस कर लें। 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 1 और 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़। इसमें जो ये वाली न्यूज़ है कोर PPI, इसकी अर्ली प्रिडिक्शन और फोरकास्ट ये है कि ये एज इट सेम आने के चांसेस हैं, फ़िलहाल की प्रिडिक्शन। और ये जो नीचे वाली है PPI M-M की है, M/M, इसकी प्रिडिक्शन जो है वो मैं आपको बता दूं, वो ये है कि डॉलर वीक होगा इसकी फोरकास्ट। अगर ये ऐसा ही होता है तो गोल्ड ऊपर चला जाएगा। लेकिन रात को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11 बजे USD की एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ FOMC की मीटिंग मिनट्स हैं, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहा जा सकता, जिसकी वजह से हो सकता है ये रिट्रेसमेंट नीचे भी हो गोल्ड की और ऊपर भी। इन दो न्यूज़ के बारे में मैं आपको अपने WhatsApp कम्युनिटी ग्रुप में बता दूंगा। इसका कुछ पता नहीं होता क्योंकि ये मीटिंग होती है, स्पीच है, तो उसमें क्या कुछ कहेंगे जो FOMC की मीटिंग है, तो वो इस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हमारा गोल्ड पे असर करेगा। लेवल्स लेट्स सी, 1875 पे तो ऑलरेडी है, 1879 या 1893 वो बहुत दूर हो जाएगा, 1879 के करीब से सेल किया जा सकता है। 3 पॉइंट ऊपर रखें तो 80, 81, 82 1882 के स्टॉप लॉस के साथ सेल सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए लोग कहते हैं 1877, 1876, 1875, यहाँ कहीं से भी आप सेल करते हैं तो 1882 का स्टॉप लॉस। और अगर नीचे आए बाय करें ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी इसने ऊपर जाना है, ऊपर से सेल करेंगे रिस्की हो जाएगा। बस ये देखें कि जो स्टॉप लॉस लगाएं, आप माइंड में रखें कि स्टॉप लॉस हिट करता है तो मैं कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूं, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाते ही एस्टिमेटेड लॉस शो करता है। आप यूं समझें कि मैंने ये ट्रेड लगाई, मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है तो ये डॉलर लॉस में जाएंगे, वो अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो गो हेड, आप सेल की ट्रेड लगाएं। अदरवाइज मैं जो आपको मेरा पर्सनली है वो ये है कि अगर मार्केट नीचे 1858 के राउंड अबाउट, 1858 के तीन ऊपर रख दें, 1861, 1862, 1860 यहाँ से करें बाय, और 1858 के 3 पॉइंट नीचे 1855 का स्टॉप लॉस रखें, 1855 का। 5:30 बजे न्यूज़ के मुताबिक मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में कि क्या सिचुएशन है। वीडियो के लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ना कम्युनिटी ग्रुप का लिंक शेयर कर देता हूं। और अगर आपके पास टाइम हो तो मंथली वीडियो देख लें, वीकली वीडियो देख लें, अगर आपको सीखने का शौक है। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।